बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे सब मेरे बहन भाई? आई होप के सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग संडे स्पेशल व्लॉग है, तो आज सबसे पहले मैंने चाय बनाई और बेटी के साथ नाश्ते पे जाना था आज, तो आज संडे स्पेशल नाश्ता हमने बाहर किया। उसके बाद फिर घर आके मैंने खाना बनाया। तो आज संडे है और हमारे किचन में आज कढ़ी पकौड़ा बनेगा, साथ में ये चाय रखी ऊपर, ये साथ में चाय बनेगी और साथ में मैं खाना बनाऊंगी। तो जी, कढ़ी के लिए आज मैंने सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर को चॉप कर लिया था और उसके बाद फिर कढ़ी की तैयारी की, कढ़ी पकौड़ा बनाने की। सबसे पहले मैंने बेसन को और दही को शामिल करके ग्राइंड कर लिया मैंने। उसके बाद फिर प्याज को हल्का फ्राई करके लहसुन अदरक पीस के, जो हरी मिर्चें लहसुन अदरक पीस के शामिल की। उसके बाद टमाटर शामिल कर दिए, फिर स्पाइसेस शामिल कर दिए। उसके बाद फिर जो बेसन और दही की मैंने लस्सी बनाई थी वो फिर मैंने इसमें शामिल कर दी मसाले में। अब पकौड़ों के लिए प्याज काटूंगी, बेसन में प्याज, स्पाइसेस शामिल किए, सूखी मेथी शामिल की, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पानी शामिल करके इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। फिर इसके हम पकौड़े बनाएंगे। मेरी वालदा साहबा ऐसे ही कढ़ी पकौड़ा बनाती थी, तो फिर मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत मज़े की और यमी बनती है। अभी हम लास्ट में हम ये पकौड़े इसके बनाएंगे कढ़ी के लिए, उसके बाद कढ़ी में शामिल कर देंगे फिर पकौड़े, ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें। इसके साथ ही हम लोग को एंड करते हैं।